हेलो एवरीवन, मैं विनय प्रसाद, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल्स स्टाइल्स के बारे में। सेल्स स्टाइल्स की मदद से हम कैसे अपने रिपोर्ट को एक स्ट्रक्चर्ड और काफ़ी एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, जहाँ पर एक कंपनी एक्स वाई जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं और जो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में उनका जो भी फिगर आया है वो आपका लिखा हुआ है। तो ये जो एक डेटा है, ठीक है, और इसको ही मैंने यहाँ पर सेल्स स्टाइल्स वाले वर्कशीट में आ जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं रिपोर्ट, ये कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड इसमें एक प्रोफेशनल फील भी है। साथ ही साथ जो मेरे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट मेरे फिगर्स हैं, वो देखो आपका बोल्ड लेटर से किए हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी इंसान को ये बहुत आसानी होगा अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ पर मुझे फोकस करना है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। तो कैसे हम ये डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल्स स्टाइल्स, वो आज हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक्सरसाइज वर्कशीट में आप ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इस डेटा को हम इस तरीके से एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल्स स्टाइल्स। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो कंपनी का नाम है एक्स वाई जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको मैं ये सेल को मर्ज कर देता हूँ, इन चारों सेल्स को। तब देखिए मर्ज हो गया, सेंटर पे आ गया है। अब यहाँ पर से हम सेल्स स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे। ये अंडर द होम टैब आप आएंगे तो देखोगे यहाँ पर स्टाइल्स ग्रुप है, इसके अंदर में आपको सेल्स स्टाइल्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए तो देखिए पहले से ही यहाँ पर कुछ आपको इनबिल्ट स्टाइल्स दिए हुए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसका भी कुछ यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत और भी चेंजेस करेंगे। लेट्स से मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा चाहिए या फिर उसमें बैकग्राउंड में कुछ कलर चाहिए, अदर थिंग्स, तो वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर से यहाँ पर आपका टाइटल एंड हेडिंग्स में टाइटल करके आपका एक स्टाइल दिया हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो फॉन्ट है इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ जो एग्जिस्टिंग स्टाइल दिए हुए थे इसको भी मैंने यूज़ किया, साथ ही साथ मैंने भी कुछ एडिशनल जो मुझे लगा कि सही रहेगा उसको भी यूज़ किया है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इस पर्टिकुलर स्टाइल को एक नाम देता हूँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि अभी मान लो आप ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, नेक्स्ट शीट में आप मान लो बनाते हो लेट्स से कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप इसी टाइप की फॉर्मेटिंग को वहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हैं। तो बार बार आप स्क्रैच से करोगे तो वो आपका टाइम को खाएगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप किसी एक शीट में आपको जो भी करना है आप वो स्टाइल दे दीजिए और उस स्टाइल्स को फिर आप एक न्यू सेल स्टाइल्स के फॉर्म में क्रिएट कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि वो आपका टाइम को सेव करेगा। तो मैं यहाँ पर टाइटल में चेंजेस किया हूँ, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ किया हूँ जो इसमें इनबिल्ट है, और साथ ही साथ मैंने भी कुछ जो चेंजेस करना था वो किया है। तो मैं यहाँ पर न्यू सेल स्टाइल में क्लिक करता हूँ और आप देखोगे यहाँ वेरियस स्टाइल प्रॉपर्टी है। आप चाहो तो इसमें कुछ फॉर्मेटिंग या चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे अलाइनमेंट हो गया, फॉन्ट हो गया, यहाँ पर देखो नंबर्स का है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, बॉर्डर्स है, फिल है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कोई भी इसमें फिल नहीं किया तो नो कलर है। फॉन्ट आपका मैंने देखिए 18 है, तो अगर आप चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से आप डिफरेंट जो फॉन्ट का फॉर्मेट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ, एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, ठीक है, बिकॉज पहले ही मैंने चेंजेस कर दिए तो ये चेंजेस यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। तो मैं इसे नाम देता हूँ रिपोर्ट टाइटल, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टाइल को, और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर फिर से आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर में कस्टम का आपको हेडर आ जाता है, उसके अंदर में आप जो भी नया सेल स्टाइल क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, फाइन। तो देखिए मैंने जो यहाँ पर कस्टम स्टाइल क्रिएट किया है, और आई वुड से जो मैंने नया स्टाइल क्रिएट किया है रिपोर्ट टाइटल, अगर आप चाहोगे इसमें फिर कुछ फर्दर चेंज करना तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए। तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो नया कस्टम सेल स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। इसे भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर से सेल स्टाइल्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये मैं एक्सेंट 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर है और ये जो फॉन्ट का जो साइज है वो देखो आपको 12 दिख रहा है, कैलिब्री बॉडी है, और यहाँ पर कलर जो है वो वाइट है, बट ये जो साइज है ना वो काफ़ी छोटा है, तो मैं इसे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे 14 कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस सेल स्टाइल को जो मैंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं और यहाँ से मैंने जो यूज़ किया था, तो मैंने एक डिफरेंट स्टाइल क्रिएट कर लिया। तो इसे मैं नेम दे देता हूँ और इसे मैं नाम देता हूँ सब टाइटल,
ठीक है, ओके पर क्लिक करता हूँ, तो देखो आपका यहाँ पर वो टाइटल सब टाइटल वो यहाँ दिख रहा है आपको, फाइन। अब देखो ये पर्टिकुलर्स है, ठीक है, यहाँ पर और आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में जो आपके फिगर्स हैं वो सब है, ओके। तो मैं ये क्या है मेरा, ये रिपोर्ट का हेडर है, तो इसे मैं सेल स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, हेडर टू, ठीक है, एंड इसे मैं नाम दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका फॉन्ट का साइज 13 है, तो इसको मैं इंक्रीज करके 14 कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ और हेडर वन, ठीक है, एंड इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका भी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके मैं यहाँ पर दे देता हूँ हेडर टू, ओके, ये हो गया। देन आप अब इसमें आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो भी मेरा फिगर्स दिए हुए नंबर्स जो हैं, अगर आप इस रिपोर्ट में देखोगे तो यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद कोई भी आपका डिजिट नहीं है, और जो भी मेरे नेगेटिव नंबर थे वो देखो एक पैरेंथेसिस में है आपका ब्रैकेट के अंदर में, बिकॉज अकाउंटिंग में अगर आप देखोगे तो जो माइनस के साथ जो नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर में देते हैं, तो हमें ये सब चेंजेस करना पड़ेगा इस नंबर्स में। तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करता हूँ, नंबर्स पे मैं आ जाता हूँ। डेसिमल के बाद मुझे ज़ीरो डिजिट रहना चाहिए, तो इसे अब क्या हो गया, ज़ीरो मैंने कर दिया, और यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर रहेगा वो आपको ब्रैकेट के अंदर में आएगा, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करता हूँ। तो ये सब मैंने चेंजेस इसमें की, तो ये जो मैंने चेंजेस किया है मैंने, ठीक है, इस नंबर में, दैट मीन्स नंबर को ही मैंने फॉर्मेट किया है, करेक्ट। तो मैं एक किसी सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज ये जो फॉर्मेटिंग किया था नंबर में मैंने, वो सभी पे अप्लाई हो गया था, फाइन। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ नंबर वाला, यहाँ पर मैं सेल स्टाइल पर क्लिक करता हूँ और इसे फिर न्यू सेल स्टाइल क्रिएट करेंगे। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ नंबर फॉर्मेट, बिकॉज आगे चल के मैं जब इस इंडस्ट्री का लेट्स से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करूँगा तो इसी टाइप की फॉर्मेटिंग मैं रखना चाहता हूँ, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहता हूँ। इसे ओके पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका नंबर फॉर्मेट भी आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो रेवेन्यू के साथ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, अगर आप रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो दैट मीन्स ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ये जो फिगर्स है वो क्या है, वो बेस्ड है और आई वुड से वो रिलेटेड है विथ रेवेन्यू एंड COGS, करेक्ट। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट पे हम चाहते हैं कि जब ये रिपोर्ट किसी को हम प्रेजेंट करेंगे या फिर वो देखेगा ये रिपोर्ट, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ, आई वुड से इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ विथ बोल्ड लेटर, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पूरे को और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। साथ ही साथ सिंस रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिलेशन है तभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो इसके ऊपर मैं ये क्लिक करता हूँ बॉर्डर्स पे और ये टॉप बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी भी इंसान को जब ये रिपोर्ट आप दिखाएंगे तो वो समझ पाएगा, ओके सो ये दोनों ऊपर का चीज़ जो है इसका लिंकेज है इसके साथ, तो आप समझा सकते हो कि भाई रेवेन्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उसी तरह एबिटा भी जो है क्या है, वो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ रिलेटेड है, इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं टॉप बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड बाकी में भी हम इस चीज़ को रेप्लिकेट कर देंगे, ठीक। बट देखो ये जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, करेक्ट। तो इसको हम यहाँ पर से सेल स्टाइल ये सेलेक्ट करते हैं और इसे हम टोटल वाला जो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फाइन। अब देखो ये जो आप पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, एबिटा हो गया, एबिट हो गया एंड EBT हो गई, तो देखो ये क्या है कि ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने किया उसका ये फिगर आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक डिफरेंट स्टाइल क्रिएट किया, क्योंकि तो सेल में आप देखो ऊपर में टॉप बॉर्डर है, ठीक है, फिर अंदर में जो आपका फॉन्ट है वो बोल्ड किया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम न्यू सेल स्टाइल क्रिएट कर लेंगे, इसका हम नाम देते हैं सब टोटल, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो फिर ये सब टोटल है, आप एबिटा में भी उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, एक बार आपने जो सेल स्टाइल क्रिएट कर लिया, बिकॉज एबिटा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड EBIT इन सभी का जो सेल स्टाइल का फॉर्मेट है वो एक ही टाइप का है। फिर हम यहाँ नेट प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पर से इसको क्लिक करेंगे और ये टोटल वाला आपने सेलेक्ट किया है तो हम इसको एक नाम ही दे देते हैं, यहाँ पर हम न्यू सेल स्टाइल क्रिएट करते हैं और इसे हम
टोटल फॉर्मेट लिख देते हैं, राइट। तो ये देखो आपका तैयार हो गया है रिपोर्ट। फिर यहाँ पर व्यू टैब पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देते हैं, तो ये आपका रिपोर्ट बन गया। आप चाहोगे तो आप अपने ये जो रिपोर्ट आपने तैयार किया, ठीक है, इसका थीम्स को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, दैट मीन्स आपका जो टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट का साइज है वो चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, अदर थिंग्स, तो वो कैसे आप करोगे? तो यहाँ पेज लेआउट पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर थीम्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके डिफरेंट थीम्स अवेलेबल है। लेट्स से मैं हेडलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखो आपका ये चेंजेस आपको यहाँ पर अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थीम्स को भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। आप रिपोर्ट क्रिएट कर लीजिए और आपको लगता है कि डिफरेंट थीम्स है उसका यूटिलाइज़ करके हम रिपोर्ट को और डिफरेंट लुक दे सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं फिर से वापस आपका ये ऑफिस थीम पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो आपका रिपोर्ट ये रेडी है। अब देखो ये जो हमने इतना सारा सेल्स स्टाइल, दैट इज़ न्यू सेल्स स्टाइल क्रिएट किया, इसका एडवांटेज आपको कहाँ मिलेगा? आपने एक रिपोर्ट में तो मेहनत कर ली, अब मान लो सपोज़ वही डेटा है, सपोज़ ये आपका लेट्स से उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता, अब फिर से आप स्क्रैच से बनाते तो आपका टाइम भी खाता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी जो इनबिल्ट हमने स्टाइल क्रिएट किए उसकी मदद से हम कितना जल्दी से ये रिपोर्ट को तैयार कर लेते हैं वो हम समझते हैं। अब देखो, ठीक है, ये वही आपका कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ सेल्स स्टाइल पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखो रिपोर्ट टाइटल, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर ये वाला जो है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट जहाँ लिखा हुआ है, इन चारों सेल को मैं मर्ज कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर से क्लिक करिए और यहाँ पर से सब टाइटल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये पर्टिकुलर्स जो वन है, ये पर्टिकुलर्स जो है वो आपका क्या है, हेडर वन था, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हेडर वन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड दिस वन इज हेडर टू, फाइन। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये जो नंबर्स थे ये सारे नंबर्स में भी हमने फॉर्मेटिंग किया है, इनको पूरे को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से मैं नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, फाइन। उसके बाद आप देखिए ये जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ये वो जो फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से मैं सब टोटल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो जो यहाँ पर पर्टिकुलर ग्रॉस प्रॉफिट है और उनका जो यहाँ पर फिगर्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो सेल्स स्टाइल का जो फॉर्मेट है, ठीक है ना, एंड एबिटा, ईबीआईटी एंड ईबीटी, इन सभी का सेम है, फाइन। तो हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ ये फिर सेलेक्ट करना पूरा, ठीक है, फिर यहाँ पर सेल्स स्टाइल में जाना एंड फिर आपको यहाँ सब टोटल सेलेक्ट करना, आप क्या कर सकते हो कि आप सीधे कॉपी करिए। जब आप देखोगे कि इस तरीके का सिमिलर आपका सेल्स स्टाइल का फॉर्मेट आपको बाकी जगह भी रेप्लीकेट करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। इसे हमने कॉपी कर लिया, इस पूरे को आप सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर पेस्ट में आप जाकर पेस्ट स्पेशल पर आप ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेट आपका कॉपी हो जाता है, ये भी कर सकते हो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, ये फॉर्मेट प्रिंटर पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाले पूरे सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर भी आपका चेंजेस अप्लाई हो गया, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर नेट प्रॉफिट पर हम क्या करेंगे, ये सेल स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम टोटल फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस रिपोर्ट को भी जैसा आपने पहले देखा था उस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, फाइन। अब यहाँ पर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ और इस ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सीखने को मिला और किस तरीके से हम सेल स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ सेल स्टाइल का सबसे ज़्यादा यूसेज कहाँ पर होता है और किस तरीके से अपने रिपोर्ट को एक स्ट्रक्चर्ड और एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।